बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ क्यूएन एंड क्यूसी क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल थर्ड फाइंड करने के बारे में है। और हम लोग क्वार्टाइल फाइंड करेंगे बाय डिस्क्रीट मेथड। डिस्क्रीट मेथड के थ्रू क्वार्टाइल फाइंड करना, उसके सिस्टम पर ऑन बिहाफ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे क्वार्टाइल की बेटे, तो क्वार्टाइल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जिस तरह से मीडियन किसी भी समांकमाला को या किसी भी सीरीज को मिड में डिवाइड करती है, मध्य में डिवाइड करती है, एज ए सेम प्रोसीजर में क्वार्टाइल भी किसी भी सीरीज को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। और अब मैं बात करूंगा क्वार्टाइल फाइंड ऑफ डिस्क्रीट मेथड। डिस्क्रीट मेथड से क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड फाइंड करना। देखिए बेटे, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इसमें क्या करना है, x एंड f, दो x मीन्स पद हो गए और f मीन्स फ्रीक्वेंसी। ये दो क्वेश्चंस में दो पॉइंट्स हमें दिए होंगे और फाइंड बोलेगा कि किसका क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड फाइंड करिए। बेटे प्रॉब्लम की बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा जो बहुत ही मेन पॉइंट है वो समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटे, है क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी हमको दी है, कभी कभी यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखता है, क्वेश्चन में लिख देता है किसी भी वस्तुओं का आकार लिख देता है, वेट लिख देता है, या अदर स्पीड भी लिख सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है या फ्रीक्वेंसी दी है? बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है पॉइंट्स वाले बातें। तो ध्यान दीजिए क्या है कि या तो ये इंक्रीज सिस्टम पर होगी या डिक्रीज सिस्टम पर होगी। एज लाइक 1, 5, 9, 11, 25, 35, 65, 95, 100, इस तरीके इम्प्रूव करती चली जाएगी। अदरवाइज ये डिक्रीज होती चली जाएगी, नीचे से स्टार्ट होती 5, 25, 45, 65, 98, इस तरह से बढ़ेगी। अगर ऐसे भी इंक्रीज नहीं हो रही है ये डाउन होती चली जाएगी, 70, 30, 40, 30, 19, 13, 10, 5, 1, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हमारे सामने, हम पता कर लेंगे ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी है, इसमें से जो भी होगा उसे हम चेंज कर लेंगे। तो आइए पहले हम फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलते हैं सीएफ। सीएफ क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला पद यानी फर्स्ट स्टेप जो है फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सेम होता है। सेकंड में इसको ऐड करके, सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करके इसके सामने लिखते हैं 16। अब 16 और 25 ऐड कर लीजिए, 16 एंड 25 41 प्लस 22 63 प्लस 18 81 प्लस 11 92 प्लस 8 100। अब बेटे आपको एक बात और बताना बहुत जरूरी है, वो ये बात आपको बताना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल एज इक्वल आएगा। यानी कि अगर हम बात करें सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100, काउंट करेंगे तो सिग्मा एफ की जो फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100 हमने फाइंड कर लिया। अब क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है, क्वार्टाइल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, क्वार्टाइल फर्स्ट फाइंड करेंगे तो क्वार्टाइल फर्स्ट इज इक्वल टू एन प्लस 1/4। एन प्लस 1/4 आइटम,
ये हमारा क्वार्टाइल फर्स्ट निकल के आएगा और यहां से हम क्वार्टाइल फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो बेटे क्वार्टाइल हैंडेड प्लस 1/4 25.25 क्योंकि 101 25.25 आइटम इज CF cumulative efficiency 41। ये 41 पे पाया गया है, 41 फ्रंट ऑफ 7। 41 जो है वो किसके 7 पे है, वो फ्रंट ऑफ 7 के होटल पर सामने है, इसलिए यहाँ का जो Q1 होगा वो हमारा 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा बेटे। अब देखिए 25 क्लास इंटरवल 47 सो दैट Q1 इज इक्वल टू 7। ये बेटे हमारा Q1 फाइंड हो गया क्वार्टाइल फर्स्ट। अब बेटे हमें निकालना होगा क्वार्टाइल थर्ड। एक आंसर हमारा कंप्लीट होता है क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 7। अब हम बात करने वाले हैं क्वार्टाइल 2 की। अब हमें क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है। तो क्वार्टाइल 3 जो फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू एन प्लस 1/4 और 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वार्टाइल 3 निकल के आया एन प्लस 1/4। बेटे एन कितना है? 100 है। प्लस 1/4 आइटम ये हमारा आ गया। अब बेटे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, और इसको हमने पहले ही सॉल्व किया, देखिए एन प्लस 1/4 वैल्यू फाइंड आउट 23 इंटू 25.25। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटे, 3 से मल्टीप्लाई होगा 75.75 आइटम, ये हमारा निकल कर आ गया है। अब हमें यहां पर क्या करना है, ये किस सीएफ पर है? इस सीएफ क्लास इंटरवल के सामने 75.5, ये मैंने एरो लगाया था यहाँ के लिए और एक एरो यहाँ के लिए। तो ये 75.75 वैल्यू इज 81 इज 81 सो दैट Q3 इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ 16। यहां पर बेटे क्वार्टाइल थर्ड फाइंड हो गया। इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल थर्ड को फाइंड करेंगे। ये आज की क्लास में मैंने क्वार्टाइल निकालना आपको समझाया है। अब मैं आपको शॉर्ट में बेटे क्वार्टाइल फाइंड करने के बारे में आपको मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं। एक बार फिर से देखेंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हमें क्वार्टाइल फाइंड करना है बेटे। देखिए क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे, एक्स और एफ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपको दी होगी। इस फ्रीक्वेंसी में से हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी बेटे। सीएफ फाइंड कर लेंगे, 7 फर्स्ट और फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट पद और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट पद सेम होता है बेटे। ये देखिए सेम है और ये भी सेम है। अब इसके इन दोनों को जिसके सामने मैं नोट कर रहा हूं, दो तरीके से कर सकता हूं, 7 प्लस 9 16। अगर हम 7 प्लस 9 16, 7 प्लस 9 प्लस 25 41, अगर यहां देखें तो जो सेकंड आया है 16 प्लस 25 41। अब हम देखेंगे यहां पर 41 22 63, अगर हम चाहें तो यहां से पूरा काउंट करते हैं और इसके सामने लिखें 63।
यहाँ से पूरा काउंट करते हैं, यहाँ तक का टोटल यहाँ लिखे, यहाँ से यहाँ तक का काउंट करके टोटल यहाँ लिखे, यहाँ से यहाँ तक काउंट करके टोटल यहाँ लिखे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से काउंट कर लेते हैं, इसको किया और जो आया यहाँ टोटल लिख दिया इस तरीके से। अब ये सर्किल हमारा क्योंकि कंटिन्यू बेटे चलता रहेगा, 16 आया 25 ऐड किया लिख दिया, 41 आया लिख दिया, इसको इससे ऐड किया लिख दिया, इससे इसको आया इधर आया लिख दिया, इससे इधर आया इधर आके लिख दिया, बताइए। और इसको यहाँ से काउंट करते आए, इसको यहाँ लिख दिया, बताइए कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए सिग्मा एफ, इसको लोग एन बी बोलते हैं बेटे, ये एन बी होता है, इसको कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 100 बी से फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारा सही है। एन इज इक्वल टू 100 बी फाइंड कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एन इज इक्वल टू बेटे हमारा 100 आ गया, और यहाँ पर क्वार्टाइल फर्स्ट फाइंड करने की बात कर रहा है क्वेश्चन में, एन प्लस 1/4 आइटम, ये हमारा फॉर्मूला है बेटे। इस फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू 100 आया था, एन की वैल्यू को 100 प्लस 1/4 सॉर्ट आउट करेंगे 25.25 आइटम, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 41, यानी कि 25.25 जो है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 41 के ऑन बिहाफ ऑफ फ्रंट पर है, इसलिए हमारा ये आ गया। अब इसी के ठीक सामने एक्स सीरीज में देखिए जो हमारे पद होते हैं वहां पर 7 आ रहा है, और जो ये हमारा 7 आ रहा है, 7 आने की वजह से यहां पर हमारा क्वार्टाइल फर्स्ट 7 हो गया। एज ए सेम प्रोसेस पर बेटे फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल थर्ड फाइंड करने के लिए, Q3 इज इक्वल टू 3 एन प्लस 1/4 आइटम, यहाँ पर हमने फॉर्मूले को फिर से फिलअप कर दिया, एन इज इक्वल टू 100 प्लस 1/4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू निकल के आगे 70.75 आइटम, और इस क्लास इंटरवल 70.75 इज 81, 81 इज फ्रंट ऑफ 16, 81 61 के फ्रंट ऑफ पे दे रखा है, और ये हमारा क्वार्टाइल थर्ड हो गया। इस तरीके से बेटे हमने क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड दोनों को फाइंड किया है, क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड भी हमारे सामने प्रोवाइड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करना है ऑफ Q1 एंड Q3 इज डिस्क्रीट सीरीज की जगह पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि मैंने पहले पूरे जो स्टार्टिंग की वीडियो मैंने बनाए थे सारे एक साथ बना दिए थे, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती कि सर आपने तो पूरा एक साथ बता दिया, इसलिए मैंने अब अपने टॉपिक्स को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। Q3 और क्वार्टाइल हर मेथड से हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बताया था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये तीन प्रकार की होती हैं, और इसमें से इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन मैं आज बता चुका हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर क्वार्टाइल फाइंड करने के बारे में बताऊंगा।